साल से वांटेड था, हार्डकोर था और 1 लाख रुपए का इनामी था। वर्ष 2018 में ये 20 दिन के पैरोल पर आया था। 13 जनवरी 2019 को इसे वापस कारागृह में उपस्थित होना था, परंतु ये वहाँ से फरार हो गया। फरारी की अवधि के दौरान ही मार्च 2021 में इसने महेंद्र खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी, जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र में। उसकी हत्या का कारण यह रहा था कि हवाला के लूट की राशि के बंटवारे को लेकर के आपस में दुश्मनी हो गई थी, इसलिए इसने हत्या की। उसके पश्चात दिसंबर 2021 में इसने बंदी सुरेश सिंह की पुलिस कस्टडी में हत्या की थी, भाटी चौराहा थाना रातालाड़ा के अंतर्गत। इन दोनों हत्याओं के बाद भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था, अल्टीमेटली इसे कल अरेस्ट किया गया है। इन दोनों हत्याओं के मुकदमे अभी तक पेंडिंग है जिसमें अरेस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा इसके पैरोल से फरारी का एक मुकदमा पेंडिंग है। इस जिस केस में यह बंद था वो महामंदिर थाने का था, मर्डर का मुकदमा था जिसमें इसने किसी एससी के व्यक्ति की हत्या की थी और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। इसकी हत्या के लिए 8 अलग अलग टीमें बनाई गई थी जोधपुर जिला ईस्ट की, और उन 8 टीमों का सुपरविजन गाइडेंस डीसीपी ईस्ट स्वयं के द्वारा डे टू डे बेसिस पे किया जा रहा था। इन 8 टीमों में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो भारत रावत इंस्पेक्टर, दिनेश डांगी सब इंस्पेक्टर, कन्हैयालाल सब इंस्पेक्टर और किशन सिंह एंड कान सिंह हेड कॉन्स्टेबल्स की रही है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और लगातार ट्रेवल करके 1 लाख से भी अधिक किलोमीटर का ट्रेवल करके अल्टीमेटली इसकी गिरफ्तारी को संभव बनाया। इस अवधि के दौरान उन्होंने जो यात्राएं की, जहाँ जहाँ इसके ठिकानों की तलाश की, वहाँ से करीब 30 ऐसे लोगों को अपने गिरफ्तार किया इन मुकदमों में जो इसके मददगार थे किसी न किसी रूप में, या तो आर्थिक रूप से, या इसे शरण दिए हुए थे, या इसे सलाह दे रहे थे कोई, या इसके गिरोह में शामिल थे। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा तथा जिन जिन लोगों ने इसको शरण दिए या जो इसके सहयोगी रहे उन्हें इन मुकदमों में गिरफ्तार किया जाए। अभी इससे हमने हाईवे से गिरफ्तार किया, अभी तक उस दौरान इसके पास कुछ भी नहीं मिला था। अब आगे पूछताछ से हथियारों की या अन्य जो भी लूट का सामान है या और कोई रिकवरी है वो करने के प्रयास किए जाएंगे। अभी हम सभी का रोल देखेंगे कि किसका ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि 8 टीमें थी जिसमें करीब 80 से 90 लोग थे, उनमें से 3-4 ऐसे व्यक्तियों को छाटेंगे, अधिकारियों को छाटेंगे जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा, उनके नाम पदोन्नति के लिए भेजे जाएंगे। पृथ्वी सिंह की वो जो एक की सुपारी, पृथ्वी सिंह की सुपारी ले रखी थी जो अभी बालोतरा जेल में बंद है छोटू सिंह हत्याकांड में, तो उसकी सुपारी इसने ले रखी थी कि जैसे ही वो बाहर आएगा या फिर जैसे वो किसी पेशी में जाता है तो मौका मिलते ही उसको उसकी हत्या करनी है। अभी वो जोधपुर है, पृथ्वी सिंह बालोतरा जेल में बंद, निवासी बालोतरा, पृथ्वी सिंह निवासी बालोतरा, और गिरफ्तार इसकी कल सूरत भरूच हाईवे पे की है जब ये सूरत की तरफ आ रहा था, तो हमें सूचना थी कि ये सूरत की तरफ जाएगा आज, लगातार इस पर निगाह रखे हुए थे कि कई दिनों से कई महीनों से, उसके तहत इसकी गिरफ्तारी की। डेडिकेटेड टीम सिर्फ और सिर्फ अजय पाल और जो शेष अपराधी है सुरेश सिंह हत्याकांड में, उनकी गिरफ्तारी के लिए बनाई जाए। वो एडिशनल डीसीपी नाजिम जी, एसीपी देरावर जी के साथ अपने जो सीआई भरत रावत जी, उनकी ये साथ एक पूरी टीम हमने गठित की, और उस टीम ने पिछले कई महीनों से 6 राज्यों में वो लगातार पीछा करते रहे, लगातार जानकारियां जुटाते रहे, फील्ड में उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज 30 अपराधी जेल में बंद है और अजयपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो हमने रणनीति अपनाई वो त्रिकोणीय रणनीति हमने अपनाई। सबसे पहले तो जो सुरेश सिंह हत्याकांड में और जो परोल फरारी में, जो सुरेश सिंह हत्याकांड में अपराधी थे, आरोपी थे, उन सब की गिरफ्तारी सुनिश्चित। कुछ आरोपी तो इतने अपराधी इतने डर गए कि उन्होंने पाली में और जोधपुर में उन्हें सरेंडर उन्होंने किया। फिर उसके अलावा जिन्होंने भी इसको शरण दी, हम जहां जहां गए, जहां जहां हमने फील्ड में हमें मुखबिरी मिली, हमें कुछ लीड मिली, तकनीकी मदद मिली, उसमें हमने महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में,
हमने टीम भेजी वहां पर जहां जहां इसको शरण दी गई, उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, जो भी इसको मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। इसकी स्थिति ऐसी हो गई थी जब हम पुणे हमारी टीम पहुंची, वहां पर जिस जगह पर ये रहा बहुत दयनीय जगह थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये कहीं रह नहीं सकता था, बाहर कोई इसकी आइडेंटिटी नहीं दे सकता था, कहीं किसी धर्मशाला होटल में ये नहीं रह सकता था क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कहीं नहीं देता था। ये और इसका एक साथी पुष्पेंद्र, ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे और वहां पर मारवाड़ के जहां पर भी कोई व्यक्ति मिलता उसको ये दबा, उसको ये प्रभाव में लेकर उसको डरा धमका के, और ये वहां पर उसके पास रहते थे। पुणे में ये एक जो ढाबे पे साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उन दो तीन लड़कों को इसने मतलब डराया धमकाया, अपने प्रभाव में लिया और उनके एक बिल्कुल जो भिखारियों की तरह जैसे रहते हैं वहां वैसे रहा वो। बहुत इसने कोशिश की छुपने की, काफी शातिर अपराधी है, कोई ये कमी या कोई ऐसी वो नहीं छोड़ता था कि इसके हमें ये कोई लीड हमें दे जाए, लेकिन फिर भी लगातार पुलिस की जो कार्रवाई रही और जो पुलिस का जो एक प्रयत्न और जो प्रयास रहा वो बिल्कुल वो सफल रहा, जिसके फलस्वरूप कल ये भरूच सूरत नेशनल हाईवे पर बस से हमने इसको दस्तयाब करके और आज सुबह गिरफ्तार किया। तीसरी जो थी त्रिकोणीय रणनीति में जो हमने करा, वो आर्थिक सहायता इसको कौन देता है। पाली में झब्बर सिंह मणिहारी, जो कि इसके केसवार भी हैं, उसके बेटे भरत और प्रवीण जो इसके साथ केसवार थे सुरेश सिंह हत्याकांड में, उनके ऊपर हमने रेड की, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसकी हमने जानकारी जुटाई, जो अपराध से अर्जित उनकी संपत्ति है, और पाली प्रशासन की मदद से हमने उस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाई। इससे उसकी आर्थिक जो मदद है वो बिल्कुल खत्म हो गई। प्रवीण भरत और झब्बर सिंह उसे 50,000 रुपये प्रति माह देते थे, क्योंकि मर्डर का वो उनका शूटर था, तो जिसको चाहे वो उससे मर्डर करवाने की वो सुपारी दे देते थे, तो इसीलिए वो उसकी 50,000 रुपये तो उसकी फिक्स थी इनकम। तो वो हमने इसको आर्थिक रूप से इसको आहत किया, जिसकी वजह से पुणे में दयनीय और आगे सब जगह ये दयनीय स्थिति में इसको ये रहने के लिए मजबूर हो गया। उसके अलावा अभी हम जो अभी मुख्य जो हमें लीड मिली, हम इसके सभी जो संपर्क हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे इसके पहले के, हम सभी इसको टच कर रहे थे, साथ ही साथ इसके परिवार पर भी नजर रख रहे थे, उसकी मूवमेंट पर हम नजर रख रहे थे। तो कुछ दिनों पहले हमें सूचना मिली कि इसकी जो पत्नी है वो 3-4 दिन से है नहीं, ये केलावा कला गांव का है, थाना करवड़ में, इसकी पत्नी कुछ दिनों से है नहीं। तब हमने उसका पीछा हमने पत्नी का किया था और उससे हमें ये सूचना मिली कि ये सूरत में कहीं पर रह रहा है, और उसी लीड को टीम ने डेवलप करते हुए ये गिरफ्तारी की। मैं सीपी सर का और अपनी जो पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, 6 राज्यों में लगातार इतने दिनों तक, चाहे गर्मी है चाहे ठंड है सर्दी है, अपने अथक प्रयास करते रहे। लगभग 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है, प्रतिदिन दिन रात ना देखते हुए लगातार वो चलते रहे, जिसके फलस्वरूप कल दस्तयाबी होकर आज ये अजयपाल सिंह की गिरफ्तारी हो पाई। हेलो, एक घटनास्थल से
और जो बाकी बचे हैं वेपन्स वो हम जल्द से जल्द पूछताछ के उपरांत इससे बरामदगी हम कर लेंगे। इसके साथ ही पकड़े गए, एक तो पुष्पेंद्र सिंह इसके साथ लगातार काफी महीनों से चल रहा है। पुष्पेंद्र सिंह और झब्बर सिंह, इन्हीं दोनों के संपर्क में ये इसने जो गुजरात में और महाराष्ट्र में इन्हीं दोनों के जो संपर्क रहे हैं वहीं पर ये रहा है ज्यादातर। और महाराष्ट्र में तो इसने अपनी एक जैसे गैंग होती है इन लड़कों के साथ वो बनाई और 3 बारी इसने लूट डकैती का प्रयास भी किया। एक बारी तो प्रयास में ये सफल होने ही वाला था लेकिन भीड़ जुट गई दिन दहाड़े तो वो सफल नहीं हो पाया। अपने ये बोईसर में और पुणे के आगे अपना बीजापुर में पीपरी चिंचवाड़ में यहाँ पर इसने डकैती का प्रयास किया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो ये अपराध के सिवा और कुछ इसको ये जानता नहीं है तो उसी में उसने आगे अपनी एक गैंग बनाकर और आगे इस तरह से लूट या डकैती की इसने वारदातों का भी प्रयास किया। साथ में बालोतरा जिले में पृथ्वी सिंह बंद है छोटू सिंह हत्याकांड में, उसको भी मारने की इसने सुपारी ले रखी और जैसे ही मौका मिलता तो ये उसको भी उसकी भी हत्या करने की फिराक में। गुड़ा बालोतान पुलिस थाना आहोर जिला जालोर। और इसके अलावा जो 2 गिरफ्तार किए हैं अवतार सिंह और वीरेंद्र प्रताप सिंह, यही 2 थे जो सूरत में इसको शरण दे रहे हैं। फायर किया था और उसके जब्बर सिंह के छर्रे लगे थे, तब से ही जब्बर सिंह इसको मारने की फिराक में था। उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, ऐसी टीम की आवश्यकता थी जो इसको मार सके। उसके लिए उन्होंने अजयपाल सिंह को अपनी टीम में शामिल किया और इन्होंने अपना गिरोह बना करके पहले इसकी कोर्ट में मारने, इसमें जेल में मारने की कोशिश की और जब जेल में नहीं मार सके, जेल में भी इन्होंने मारने की कोशिश की प्लानिंग के तहत। पहले अजयपाल सिंह जेल के अंदर किसी एक्साइज एक्ट के मुकदमे में गया, फिर दूसरा इसका साथी गया, वहाँ नहीं मार सके। तो फिर जब ये कोर्ट की पेशी के दौरान पाली में मारने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं सफल हुए तो पीछा किया, अंततः यहाँ भाटी चौराहे पर सफल हुए और यहाँ पर मारे।